हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर पारुल फ्रॉम पीएस एकेडमी सिक्स क्लास। टुडे योर थर्ड चैप्टर इज ट्रू सैक्रिफाइस, सच्चा त्याग। व्हाट इज ट्रू सैक्रिफाइस, सच्चा त्याग क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस बुक इस पोयम इस सॉरी इस स्टोरी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि सच्चा त्याग क्या होता है। नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फॉलर, फॉलर मीन्स बहेलिया, नेम्ड रघु इन स्मॉल विलेज मीन्स छोटे से गांव में, सिचुएटेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट। ही वॉज वेरी क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी। ही वंडर्ड विद अ नेट इन द फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फॉलर, एक बहेल रघु नाम का बहेलिया एक छोटे से गांव में एक घने जंगल में रहता था। ही वॉज अ वेरी क्रूअल मैन, वह बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। ही वंडर्ड विद अ नेट इन द फॉरेस्ट, वह अपने जाल को लेकर और फॉरेस्ट मीन्स जंगल में गया। एंड कॉट बर्ड्स, और उसने वहां पर चिड़ियों को पकड़ा। ही वुड आइदर सेल देम इन द मार्केट, जब भी वो वहां से कोई भी बर्ड्स पक्षियों को पकड़ता तो उनको या तो मार्केट में बेच देता, बाजार में ले जाकर बेच देता, और या फिर उन्हें मार कर उनकी दावत बना लेता। हिज क्रूअल कंडक्ट वॉज डिनाउंस्ड इवन बाय हिज फ्रेंड्स, उसके इस कुकृत्य या बुरे कर्म के लिए उसके मित्र और रिलेटिव्स भी उसको अवॉइड करते थे, नजरअंदाज करते थे। हिज क्रूअल कंडक्ट इवन द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट वर सो स्केयर्ड ऑफ हिम, बल्कि बर्ड्स जो वहाँ के पक्षी थे वो भी उससे बहुत डरते थे। दैट दे ऑलवेज लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर, और वो हमेशा जंगल में डरे हुए सहमे हुए से रहते थे। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन वह जंगल गया विद नेट एंड कॉट अ शी पिजन, अपने जाल को लेकर जंगल में गया और उसने वहां पर एक कबूतर शी पिजन मिस कबूतरी को फंसा लिया। ही वॉन्टेड टू सेल द बर्ड इन द मार्केट, वह उस चिड़िया को मार्केट में बेचना चाहता था। एंड सम मनी, और कुछ पैसे कमाना चाहता था। बट द बर्ड रिक्वेस्टेड हिम, लेकिन उस चिड़िया ने उससे प्रार्थना की दैट ओ फॉलर ओ बहेलिया माई हस्बैंड वुड नॉट बियर माई सेपरेशन, सेपरेशन मिस अलग होना और विछोहा। हे बहेलिया, तुम मेरे मुझे छोड़ दो, नहीं माई हस्बैंड वुड नॉट बियर, नहीं तो मेरा पति मेरे बिछो अलग होना सह नहीं पाएगा और मेरी अनुपस्थिति में मर जाएगा। प्लीज अलाउ मी टू गो टू हिम फॉर सम टाइम, और कृपया मुझे उसके पास जाने की आज्ञा दो। आई प्रोमिस टू रिटर्न टू यू आफ्टर बाइडिंग हिम गुड बाय, मैं तुमसे प्रॉमिस वादा करती हूँ कि मैं उससे एक बार गुड बाय कहने के बाद वापस आ जाऊंगी। बट हर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट हैड नो इफेक्ट ऑन रघु, हु मूव्ड ऑन हैप्पीली विद द बर्ड अनमाइंडफुल ऑफ हर प्लाइट, और इसका उस बहेलिया रघु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह खुश होकर बड़े ही खुशी के साथ आगे बढ़ता रहा। बट रघु हैड हार्डली गॉन सम डिस्टेंस, लघु कुछ मुश्किल से कुछ दूरी पर ही पहुंचा। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, ही टुक रिफ्यूज अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री, और वह एक बड़े से पीपल मतलब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। एंड वेटेड फॉर द रेन टू स्टॉप, और उसने बारिश के बंद होने का इंतजार किया। बट इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज्ड विद ह्यूज विद एवरी पासिंग मिनट, पर लेकिन उसकी जो तीव्रता थी वो हर पल जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो वह बढ़ती ही जा रही थी। सून ही वॉज थरोली ड्रेंज्ड, अब उस वह पानी से भीग कर तर बतर हो गया। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, वह दिसंबर का महीना था, और द कोल्ड विंड पाइज्ड हिज बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स, और
बारिश के साथ चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं उसने उसकी बॉडी उसके बदन को छिद्रित कर दिया। द टॉर्न कोट ही हैड पुट ऑन वॉज नॉट सफिशियंट टू गिव हिम वार्मथ एंड ही बिगिन टू शिवर। उसका जो फटा हुआ कोट जो उसने पहन रखा था वह भी उसको पर्याप्त गर्मी ना दे सका और उसने कांपना शुरू कर दिया। रघु लुक्ड अराउंड एंड साइटेड अ लार्ज हॉलो इन अ ट्री नियर बाय। रघु ने अपने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे बड़ा सा होल दिखाई दिया, एक गड्ढा दिखाई दिया। ही वेंट ओवर देयर और वह उस गड्ढे में जाकर बैठ गया। एंड पुट हिज नेट ऑन द अर्थ और उसने अपने पिंजड़े और जाल को जमीन पर रख दिया। By now the rain had stopped, but still there was no respite from the biting cold. अब जैसे ही बारिश बंद हुई लेकिन अब उसको एक मिनट इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वह उसने ठंड से कप कप आना शुरू कर दिया। I am numb with cold and dying of hunger. और वे कहने लगा मैं कप कप ठंड के कारण कप कप आने लगा हूँ और भूख से मर रहा हूँ। Is there any kind soul on earth? क्या यहाँ कोई ऐसी काइंड दयालु आत्मा है जो मेरी मदद कर सके इस मरने की अवस्था में? इन डायर सिचुएशन में इस मरने की अवस्था में कोई मेरी मदद कर दे। ही कॉल्ड आउट, वे मदद के लिए पुकारने लगा। इंसिडेंटली द ही पिजन ऑल्सो लिव्ड ऑन दैट ट्री। इंसिडेंटली मीन्स अचानक ही की बात है कि ही पिजन कबूतर भी उसी पेड़ पर बैठा था, मतलब उसी पेड़ पर बैठा था और वह वहीं रहता था। एट दैट टाइम इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री और उस समय वो पेड़ की शाखा पर बैठा था। वेटिंग फॉर द शी पिजन टू रिटर्न और कबूतरी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वेन ही हर्ड द कॉल ऑफ रघु, जब उसने रघु के पुकारने की आवाज सुनी। ही केम डाउन फॉर हिज हेल्प, तो वह उसकी मदद के लिए आया। द शी पिजन लॉक्ड इन द केज सॉ हिम और उसने शी पिजन को पिंजड़े में बंद देखा, कबूतरी को पिंजड़े में बंद देखा। ही इज अवर गेस्ट, उसने कहा कि ये हमारा मेहमान है। ही इज डाइंग ऑफ कोल्ड एंड हंगर, ये भूख और ठंड से मर रहा है। प्लीज डू समथिंग, कृपया कुछ करो। द शी पिजन कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड फ्रॉम द केज और वह चिड़िया अपने पिंजरे के अंदर से अपने हस्बैंड को बुलाने लगी। When the he pigeon saw her in distress, जब he pigeon कबूतर ने उसको ऐसी दुखी अवस्था में देखा, it was deeply moved, वह तुरंत आया। How have you come to this situation? और उसने पूछा कि तुम ऐसी अवस्था में या परिस्थिति में कैसे आई? It asked its wife, और उसने अपनी कबूतरी पत्नी से ऐसा पूछा। The fowler has trapped me in his cage and it's what my destiny, उसने कहा ये बहेलिया मुझे फंसा अपने जाल में फंसा कर पिंजड़े में बंद करके लाया है और यही मेरा दुर्भाग्य है। destiny means दुर्भाग्य है। The sheep isn't sad, it must be the result of my deeds done in the previous life, और यह मेरे उन कर्मों का नतीजा है जो मैंने पिछले जन्म में किए थे। फॉर एवरी क्रिएचर इज बाउंड टू अंडरगो द फ्रूट्स ऑफ हिज पैक डीड्स, और हर किसी प्राणी को उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। बट डोंट बॉदर अबाउट मी, लेकिन तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। द फॉलर हैज सॉट अवर रिफ्यूज, और ये बहेलिया हमें छोड़ देगा। इट इज आवर ड्यूटी, और अब हमारा कर्तव्य है टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, कि हम अपने मेहमान की देखभाल करें। टू टेक केयर मीन्स देखभाल करना।
इफ वी फेल टू डिस्चार्ज अवर ड्यूटी, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हुए तो नोबडी वुड एवर पार्डन अस, तो कोई भी हमें नहीं बुलाएगा, एंड वी वुड बी टर्म्ड एज सिनर, और हम भी पापी बन जाएंगे। लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ इट्स वाइफ, ऐसे शब्दों को सुनकर कबूतर ने रघु से कहा, ओ फॉलर यू आर अवर रिवरेंट गेस्ट, हे आदरणीय फॉलर तुम हमारे बहुत ही आदरणीय मेहमान हो, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, माई हैंड्स एंड फीट आर नंब, मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से ठंड के कारण कांप रहे हैं, डू समथिंग टू सेव मी फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, तुम मुझे इस सर्दी से बचाने के लिए कुछ करो, ऐसा रघु ने कहा। द ही पिजन फ्लू अवे एट वंस एंड रिटर्न सून कैरिंग अ फ्यू ट्रिक्स, ट्रिक्स मिस टहनिया और कैरिंग मिस लाना, उसी समय रघु उड़कर गया और अपनी चोंच में कुछ टहनिया दबाकर ले आया, इट डिड सो मेनी टाइम, उसने ऐसा कई बार किया, और बहुत ही जल्दी देयर वॉज अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स एंड ट्विंग्स इन फ्रंट ऑफ और फ्रंट्स ऑफ इट डिड सो मेनी टाइम्स, उसने ऐसा कई बार किया और उसने एक और सूखी पत्तियां लाकर भी उनका एक ढेर बनाकर इकट्ठा कर दिया। देन इट फ्लू अवे अगेन एंड रिटर्न विद सम एम्बर्स, एम्बर्स मीन्स चिंगारी, अब वह उड़कर गया और अपनी चोंच में दबाकर एक चिंगारी लेकर आया, इट पुट देयर एम्बर्स ऑन द हीप एंड सून फायर ब्रोक आउट, और उसने वह चिंगारी उस पत्थू की पत्तियों और टहनियों के ढेर के ऊपर रख दी और उसमें आग लग गई, इट रिलीवड रघु ऑफ द बिटर कोल्ड, और इससे रघु को गर्मी प्राप्त हुई, एंड हिज हार्ट ऑल्सो फिल्ड विद कम्पैशन, कम्पैशन मीन्स दया, ऐसी दयालुता को देखकर उस फॉलर मिस बहेलिए का दिल भी दया से भर गया। डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, रघु आस्क्ड द ही पिजन, रघु ने उस कबूतर से पूछा। यस फॉर आई एम लेफ्ट अलोन आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड माई वाइफ इन योर केज, हाँ अब मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी शी पिजन की पत्नी को अपने पिंजड़े में कैद कर लिया है। द ही पिजन सेड इन अ मॉर्नफुल वॉइस, उसने ऐसा बहुत दुख और दर्द भरी आवाज में कहा। रघु फेल्ट पिटी ऑन द ही पिजन एंड रिलीज द शी पिजन, रघु को ही पिजन मतलब कबूतर के ऊपर दया आई और उसने उस कबूतरी को रिलीज मिस पिंजड़े से मुक्त कर दिया। सिंस ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर, अब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, दैट ही वेन ही वॉर्म्ड अप बाय द फायर, क्योंकि उसे उस आग से गर्मी प्राप्त हुई जिससे कि उसे उसको अच्छा लगने लगा। नाउ हंगर बिगेन टू टिकल हिम इन दैट स्टमक, अब उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। द ही पिजन वॉज मच हैप्पी एट द काइंडनेस ऑफ रघु एंड आस्क्ड हिम, ही पिजन कबूतर जो है वो बहुत खुश हुआ उसकी ऐसी दयालुता को देखकर और उसने पूछा। कैन आई कुड डू एनीथिंग एल्स फॉर हिम, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, उसने कहा नहीं अब मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऑल्दो आई एम हंग्री, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग आफ्टर द रेन स्टॉप सेड रघु, रघु ने कहा जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। नो नो क्राइड आउट ही पिजन ने चिल्लाते हुए कहा, यू आर माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं, आई कैन नॉट लेट यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दे सकता, मोर ओवर
यू हैव बीन टू सो ग्रेशियस बाय रिलीजिंग माई वाइफ, और तुमने मेरी पत्नी को छोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आई विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू टू ईट, और मैं तुम्हारे लिए जरूर ही कुछ खाने का प्रबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। बट द ही पिजन हैड नथिंग टू ऑफर हिज गेस्ट टू सेटिस्फाई हिज हंगर, लेकिन उस ही पिजन मिस कबूतर के पास अपने मेहमान की मेहमान को सेटिस्फाई उसकी भूख को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो ही थ्रो फॉर अ मोमेंट, उसने एक क्षण सोचा, और बिफोर रघु कुड इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग, इससे पहले रघु कुछ भी समझ पाता, द ही पिजन जम्प्ड इनटू द ब्लेजिंग फायर टू सेटिस्फाई रघु हंगर। उससे पहले जो कबूतर था वो जलती हुई आग में कूद गया। रघु वॉज सो मूव्ड एट द जेस्चर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ द काइंड ही पिजन दैट ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रीड एंड क्रुएल्टी। और जब रघु ने उसके ऐसे त्याग को, मतलब कबूतर के ऐसे त्याग को देखा, तो वह अपने आप को कोसने लगा कि मैं कितना लालची और निर्दयी हूँ। ही थ्रू अवे हिज नेट एंड केज एंड वॉब नेवर टू कैच बर्ड्स अगेन, और उसने उसी समय अपना नेट जाल उठाया और पिंजरा उठाया और उसे फेंक कर बोला कि अब मैं कभी भी पक्षियों को कैद नहीं करूंगा, उनका शिकार नहीं करूंगा। सीइंग हर हस्बैंड सेक्रीफाइस, अपने शी पिजन ने अपने अपने पति के ऐसे त्याग को देखकर शी लेमेंटेड लाउडली, वह भी जोर जोर से, लेमेंटेड मीन्स विलाप करना, रोना, वो भी जोर जोर से रोने लगी एंड चिल्लाने, क्राइड आउट मीन्स चिल्लाने लगी, डियर हस्बैंड व्हाट शैल आई डू इन योर एब्सेंस, उसने कहा मैं ही आपकी अनुपस्थिति में क्या करूंगी। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी टू लिव, अब इस संसार में मेरे लिए भी कुछ भी नहीं है। सेइंग सो, ऐसा कहकर शी टू जम्प्ड इनटू द फायर, वे भी उस जलती हुई आग में कूद गई। रघु वॉज सो मच शॉक्ड एट द हैपनिंग दैट ही बिगेन टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, और रघु ने जैसे ही अपने सामने ऐसी घटना को देखा वह स्तब्ध रह गया और जोर जोर से बच्चे की तरह चिल्लाकर रोने लगा। ही बिकेम डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्डली अफेयर्स, अब उसका संसार की बातों में कोई ध्यान नहीं रहा। ही डिसाइडेड टू लिव, और उसने जंगल में रहने और वहां पर ध्यान करके और अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही पास्ड हिज लाइफ मेडिटेटिंग, और उसी दिन से उसने अपना पूरा समय ध्यान और सबसे और वेजिटेशन मीन्स उन पेड़ पौधों की देखभाल में लगाना शुरू किया। दिस इंसिडेंट हैज चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर, और इस घटना ने उसका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड रघु द फॉलर लिव, रघु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, आंसर इज सी। कम्प्लीट दिस सेंटेंस, रघु हैड हार्डली गॉन सम डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, आंसर इज सी। वह कुछ दूरी पर चला जैसे ही बारिश स्टार्ट मतलब शुरू हो गई। रघु टुक रिफ्यूज अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री, रघु किसके नीचे ठहरा, पीपल के पेड़ के नीचे रुका। हु वॉज लॉक्ड इन द केज, उसमें पिंजड़े में कौन कैद था, शीप इजन, द शीप इजन, आंसर इज सी। हु हेल्प्ड रघु, रघु की मदद किसने की, द ही पिजन, आंसर इज ए। नाउ कम ऑन द फिलप्स द फॉलोइंग लिंक्स, रघुज क्रूअल कंडक्ट वॉज डिनाउंस्ड, DENOUNCED, denounced even by his friends and relatives, but her earnest request had no effect on Raghu. Third, Raghu looked around and sighted a large dash in a tree nearby, hollow, HOLLOW. Although I am hungry, but you need not worry, WORRY, worry about it. Raghu threw away his net and cage and decided to live in the dash forever. Forest. Raghu was a kind man. False.
वन डे रघु वेंट टू द फॉरेस्ट एंड कॉट अ शीप इज अन ट्रू द शीप इज अन कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड टू टेक रिवेंज ऑन रघु फॉल्स रघु हर्ट फील्ड विद कंपैशन फॉर द काइंड बर्ड ट्रू रघु डिसाइडेड टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर एवर एंड मेडिटेट टू वॉश ऑफ हिज सिंस ट्रू नाउ कम ऑन डी एक्सरसाइज हु सेड द फॉलोइंग इसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहे आई प्रोमिस टू रिटर्न टू यू आफ्टर बाइडिंग हिम गुड बाय शीप इज अन सेट टू फॉलर ही इज अवर गेस्ट ही इज डाइंग ऑफ कोल्ड एंड हंगर शीप इज अन सेट टू हर हस्बैंड हर हस्बैंड मतलब ही पिजन से कहा उसने हाउ हैव यू कम टू दिस सिचुएशन ही पिजन सेट टू हिज वाइफ डू यू लिव हेयर अलोन फॉलर सेट टू पिजन वॉट शेल आई डू इन योर एबसेंस शी पिजन सेट टू ही पिजन नाउ मेक द सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स फॉलर द फॉलर वॉज लिव्ड इन द विलेज नियर द डेंस फॉरेस्ट अवॉइड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो अवॉइड हिम एबसेंस द शीप इज इन सेट वॉट शेल आई डू इन योर एबसेंस रिलीज रघु रिलीज्ड द शीप इज इन इंसिडेंट द इंसिडेंट हैड चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर नाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज क्लियर एंड रीड योर चैप्टर अगेन एंड लर्न योर एक्सरसाइज केयरफुली हैव अ नाइस डे बाय